ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपया अपने अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। जिसको मोबाइल बंद करना नहीं आता है वो अपने योगेश जी पास जमा कर दें, इनको दे दें। जिनको अपना मोबाइल बंद करने नहीं आता है वहाँ दे दें, बाद में आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, ठीक है। बीच में कोई भी फ़ोन नहीं आना चाहिए, फ़ोन का कोई कामकाज नहीं, केवल और केवल आपको ज्ञान अर्जन करने में समय लगाना है, मोबाइल को देखना भी नहीं है। हाँ, किसको सुनाना, दूसरी बात यह है कि आप जो चाहते हैं कि हम कुछ विशेष जानें तो आपको संचिका मिल गई है, उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो बताया जाएगा कोई विशेष बात हो आप उसको नोट कर लेंगे। तो अभी हम अपना ज्ञान कर्म उपासना इस कक्षा को आरंभ कर रहे हैं, और पठन पठन का मंत्र कौन सा है, ओम सहना भवतु, इस मंत्र को पढ़ेंगे सब लोग मिल करके। ओ श्रद्धामयी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति सभी शिवरात्रि भाव। देखिए आप सब लोग इस शिविर में आए हुए हैं, ठीक है। शिविर में आप क्या अनुभव करते हैं ये आप हमको कल बताएंगे। जो मुख्य शिवरात्री होंगे बोलना चाहेंगे, हम उनका अनुभव भी लेंगे। लेकिन अनुभव में आपको जो यहाँ पर आपने सुना जानना पड़ा है वही बताना है, पुरानी बातें कोई करनी नहीं है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए कि आपको बाद में बताना पड़े तो बता सकें, इस प्रकार से सुनना है। तो हमारा विषय रहेगा भी सबसे पहले ज्ञान कर्म उपासना के अंतर्गत में ज्ञान का महत्व। मंत्र एक बोलेंगे हम, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु। इस मंत्र में ईश्वर से मेधा बुद्धि की याचना की गई है। मेधा बुद्धि माने हाँ उत्कृष्ट मति, श्रेष्ठ ज्ञान, इस प्रकार की बुद्धि जो श्रेष्ठ ज्ञान को धारण कर सके, समझ सके। तो अगर आपको जीवन में उन्नति प्रगति करनी हो और मुक्ति भी प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे जी, पहले तो शुद्ध ज्ञान अर्जित करेंगे। अच्छा, जीवन का लक्ष्य क्या है,
बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छा, आप कहते हैं कोई मोक्ष प्राप्ति, कोई कहता है ईश्वर प्राप्ति, ठीक बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, मोक्ष को नहीं मानते, तो उनके लिए भी जीवन का लक्ष्य कोई होगा ना जी, वो क्या लक्ष्य है? तो ऐसा लक्ष्य बताओ जो सबको स्वीकार हो, ईसाई मुस्लिम सिख ईसाई नास्तिक चारवाक सभी लोग उसको जीवन का लक्ष्य मानते हो। नास्तिक व्यक्ति भी उसको लक्ष्य मानता हो, वो कौन? हाँ, तो वो लक्ष्य है परम सुख को प्राप्त करना और समस्त दुखों से छूट जाना। माने कि हमको एक सेकंड के लिए भी कभी भी कोई भी दुख न हो, तो ये लक्ष्य सबका है कि नहीं बताओ? वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो जैन हो बौद्ध हो चारवाक हो कम्युनिस्ट हो कोई भी हो, यही चाहता है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी 24 घंटे में कभी भी कोई दुख न आए और मैं हमेशा खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, है कि नहीं? यही जीवन का लक्ष्य है और इसको ही हम मोक्ष कहते हैं, इसका नाम ही मुक्ति है, यही ईश्वर की प्राप्ति में होता है। तो अब इस लक्ष्य को पाना हो तो इसके लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। आप लोग गोवा शिविर में आए हुए हैं, किसी न किसी साधन में तो आए हैं जी, कोई प्लेन में आया है, कोई ट्रेन में आया है, कोई बस में आया है, कोई कार में आया है, तो अलग अलग साधनों में आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो साधन के बिना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो सभी दुखों से छूटना आपका लक्ष्य है, परम सुख को पाना लक्ष्य है, तो इसके लिए भी साधन चाहिए। तो सबसे पहले साधन क्या है? शुद्ध ज्ञान, जिसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। ज्ञानान मुक्ति ही, तत्व ज्ञान से ही समस्त दुखों से छुटकारा हो सकता है। वो है यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञान आत्मक ज्ञान सत्संग में आए भंडार है। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब आपने सुना और घर गए और जा करके क्या कहा आपने अपने परिवार वालों को कि भाई मैं शिविर में जा करके आया हूँ और मुझे तो ये ज्ञात हुआ है कि ईश्वर तो निराकार है, वो सर्वत्र व्यापक है। मंदिर में भी है तो मस्जिद में भी है, गुफा में भी है तो घर में भी है, नगर में भी है तो गांव में भी है, नदी में भी है तो पहाड़ में भी है, ठीक है, जंगल में भी है, सब जगह है वो। तो आपने सुना और कभी वो जन्म लेता नहीं है, मरता भी नहीं है, उसका मुख्य नाम क्या है? ओम है। ये आपने सुन लिया और पक्का हो गया, हाँ भाई ईश्वर तो ऐसा है, अभी निश्चय हुआ भी, लेकिन ये क्षणिक है, ठीक है जी। जान हुआ घर में बता दिए, फिर 8 दिन बाद में कोई पंडित जी आ गए, कोई महाराज आ गए और आपने कहा भी मैं शिविर में गया था और मुझे ये पता चला है कि ईश्वर निराकार है, वो सब जगह रहता है और उसका मुख्य नाम ओम है, वो जन्म मरण से रहित है। तो वो पंडित जी बोलते हैं, अरे हम तो इतना दिन हो गया आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ भटक गए, कहाँ शिविर में गए थे, ठीक है, आपको तो मंदिर आना ही है, आओ आरती करो, प्रसाद चढ़ाओ, फूल माला पहनाओ, ये भक्ति है, गए आप तो नास्तिक हो गए हैं, आपने पूजा पाठ सब बंद कर दिया, आप क्या हो गए हैं? नास्तिक हो गए हैं। उन्होंने कहा, अरे बात तो सही है कि हम, मैं तो आजकल पूजा भी नहीं करती, कुलदेवी है, हैं, हर घर का अपना कुलदेवी होता है ना, कुलदेवी, तो कुछ नहीं मानता आजकल, मैं नास्तिक हो गया हूँ, मुझे पाप लग जाएगा। चलो चलो ध्यान भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ति मंदिर भी जाएंगे, आरती पूजा पाठ सब करेंगे। शुरू किया आपने,
ध्यान की जरूरत नहीं है, ही प्राया करो। फिर आपने ध्यान बंद किया, वही मूर्ति पूजा में आप अच्छा। फिर अगले साल फिर शिविर सूचना मिली, मैं चलो गोवा चलो, इस बार और कहीं शिविर करेंगे गोवा में, बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी, कोई कमी रहेगी नहीं, उत्तम व्यवस्था करेंगे, एकदम पहले से ही सब गद्दा तकिया एकदम सेटअप, आते ही रूम मिल जाएगा, ठीक है, कोई भटकना नहीं पड़े, कोई समस्या नहीं होगी। बोले हाँ इस बार चलेंगे, अब जो उत्कृष्ट करना था बढ़िया हो गया है। फिर आ गए, आते ही फिर स्वामी जी मिले, हमारे गुरु जी मिले, और हम सब ने फिर बता दिया भाई कहाँ भटक गए थे आप लोग, ईश्वर तो वास्तव में निराकार ही है, देखो वेद में कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, और कहा ईशावास्यम इदं सर्वम्, वो सब जगह व्याप्त है, कोई आप कहाँ भटक गए। फिर आपको एकदम सरल ध्यान सिखा दिए, ओंकार ध्यान, गायत्री मंत्र ध्यान, ये सिखा दिए। आपने कहा भाई यही सरल है, इसमें तो कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई फूल लाओ, प्रसाद बनाओ, तिलक करो, चंदन करो, कुछ नहीं लगता, अपना बैठे घर में ध्यान होता है, ध्यान है। अब ये ठीक है, विचार करते हैं पंडित जी को एक बार, यहाँ आ गया हूं मैं, फोन लगा दिया उनको। पंडित जी बोलते फिर कहाँ चले गए आप शिविर में, मैंने कहा तो मना किया था मत जाओ, मंदिर में आए करो। अब वो पंडित जी कहते हैं मंदिर में आया करो, पूजा पाठ करा करो, और यहाँ गुरु जी आचार्य जी बोलते हैं भाई ध्यान क्या करो। अब दोनों बात में क्या हो गया, टकराव। इसको बोलते हैं संशयात्मक ज्ञान, इसको करूं कि इसको करूं, दोनों प्रकार का मन हो रहा है, कभी वहां मन दौड़ता है, कभी वहां मन दौड़ता है। अभी क्या हो गया, संशयात्मक ज्ञान। फिर गए वापस घर शिविर के बाद में, फिर पंडित जी ने कहा कुछ दिन बाद मिल गए, फिर कहा नहीं नहीं मुझे पक्का हो गया जी ध्यान करना चाहिए। अरे फिर तेरी मती मारी गई, फिर क्या चला गया था, ले ये देख यहाँ लिखा है ये जब करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे करना है, ये पूजा पाठ करना है, ये षोडश पूजा होती है, ये सारी बातें बता दी। अब आपने कहा नहीं नहीं ये बस बरसों पुराना मेरा पंडित है, इनकी बात कैसे मैं मना करूं, यही ठीक है। अब ध्यान बंद करके सीधा एकदम आप लग गए मूर्ति पूजा में। अब ये हो गया भ्रमात्मक ज्ञान, ये क्या हो गया भ्रमात्मक, भ्रम में पड़ गए, संशय हुआ था ना जी, क्या हो गया भ्रम हो गया। तो अगले बार सूचना मिली, इस बार तो हम शिविर करेंगे मथुरा में करेंगे, मथुरा वृंदावन में, वहां चलो। फिर सूचना मिली हाँ गोवा तो दो बार हो गया, अब मथुरा चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, वहाँ आगरा घूमने जाएंगे। फिर शिविर में गए वहाँ पर, वहाँ तो इस बार का रिकॉर्ड तोड़ गया, एकदम 7 दिन शिविर कर दिए, एकदम पक्के हो गए। फिर गुरुजी ने कहा तर्क से प्रमाण से सारी बातें कट गई कि नहीं ईश्वर निराकार ही है, तर्क से प्रमाण से युक्ति से सिद्ध हो गया। अब आप निश्चय कर ले नहीं नहीं भाई मैं तो भ्रम में पड़ गया था, ठीक है जी अब मैं यही करूंगा। अब घर जाकर के भी कितना पंडित जी ने कहा आपके नहीं 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 ये क्या कर रहे हो, पंडित जी ये वेद विरुद्ध बातें हैं आप जो बोलते हैं, मैं तो वेद को मानूंगा, वेद में ऐसा कहा है। अब आप कितना पंडित जी ने कहा आप बहक के नहीं, अब ये हो गया निश्चयात्मक ज्ञान, ये क्या हो गया यथार्थ ज्ञान, ये हो गया अब प्रमाणिक ज्ञान, ये सत्य ज्ञान। तो पहले क्या था अभावात्मक ज्ञान, पता था कुछ नहीं, फिर संशय हो गया, फिर भ्रम हो गया, और बाद में फिर वो भ्रम का निवारण हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, और फिर वो आ गया आचरण में, वो जो तत्व ज्ञान है वो आ गया व्यवहार में। अब वो जो ज्ञान जब आता है व्यवहार में, कर्म में, आचरण में, और उसके अनुसार फिर आप उपासना करते हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञानान मुक्ति, इसका मतलब क्या है बंधो विपर्ययात, अगर विपरीत ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है तो बंधन में आएंगे, लेकिन अगर तत्व ज्ञान हो गया और उस ज्ञान को आपने जीवन में उतार लिया तो मोक्ष होता है, तो बंधन से छूटते हैं। ये क्या है जी तत्व ज्ञान है। तो ये जो तत्व ज्ञान होता है अगर ध्यान नहीं देंगे देखिए तो 10 साल बाद में फिर संशयात्मक भी हो सकता है और भ्रमात्मक भी हो सकता है। इस ज्ञान का स्तर जो है घटता बढ़ता रहता है,
इसलिए बार बार सत्संग में आना पड़ता है, शिविर में आना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, ध्यान उपासना यह अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान स्थिर नहीं रहता है। एक होता है स्वाभाविक ज्ञान और एक होता है नैमित्तिक ज्ञान। तो जो नैमित्तिक ज्ञान है वो तो घटता बढ़ता रहता है। अच्छा सत्संग मिला, अच्छे गुरुजी मिले, ज्ञान बढ़िया हो जाएगा। और अगर गुरुजी अच्छे नहीं मिले, भटका दिए, तो गए फिर नीचे गिरना हो जाता है कि नहीं है? तो ज्ञान का स्तर घट जाएगा। तो ज्ञान कैसा होता है? ये नैमित्तिक ज्ञान घटता बढ़ता है। और सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। दर्द होने पर आप रोएंगे ही रोएंगे, छोटा बच्चा भी रोता है, तकलीफ कितना तकलीफ हो एकदम रोएगा वो। किसी ने सिखाया नहीं बेटा ऐसा रोते हैं, कोई सिखाता है क्या? इसका क्या है? स्वाभाविक ज्ञान है। तो जब हमारा जो तत्व ज्ञान है वो पक्का हो जाएगा, तभी इस पक्का हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, अब मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो देखो किसका मोक्ष होता है, किसका जीवन सफल होता है, या किसकी मुक्ति हो जाती है। बहुत लोग बोलते हैं ये चार वेद पढ़ लिया इनकी मुक्ति हो गई, इतना दान नहीं है मुक्ति हो गई, रोज हवन करता है इनकी मुक्ति हो जाएगी। ये कोई पैमाना नहीं है मोक्ष प्राप्त होने करने का या मुक्ति में जाने का। तो क्या पैमाना है? जिसके सारे क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, मतलब संसार में जो राग द्वेष बना हुआ है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, विषय भोगों में रुचि है, जब ये भावना समाप्त हो जाती है, बैर भाव भी नष्ट हो जाता है, अविद्या एकदम समाप्त हो जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश होते हैं। ये पांच क्लेश हमेशा क्लेशित करते हैं, दुखी करते हैं, दुख देते हैं, अज्ञानता को उत्पन्न करते हैं, मूर्खता पैदा करते हैं। जब ये क्लेश सब मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो मोक्ष होता है। और इसके लिए कई बार ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, कई बार असंप्रज्ञात समाधि लगाएंगे, असब क्लेश को जलाएंगे, भस्म करेंगे। तो जब सारे क्लेश तकदीबीज माने जल जाएंगे तो मोक्ष होता है। केवल चारों वेद पढ़ने से या रोज हवन करने से या करोड़ रुपया दान देने से बहुत विद्वान बन जाने से मोक्ष होता नहीं। ये साधन तो है, स्वाध्याय करना, हवन करना, ध्यान करना, दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, सब साधन है ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना हो और फिर मोक्ष में जाना हो तो कई बार ईश्वर करनी पड़ेगी समाधि लगा करके, तो वो ज्ञान पक्का समझो और फिर उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, जिसके द्वारा सब क्लेश दग्धबीज होते हैं। इतना स्पष्ट हो गया ना जी, मोक्ष किसको मिलता है? और किसी को भी मोक्ष मिल सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गरीब हो चाहे अमीर हो। शर्त यह है कि सारे क्लेश दग्धबीज कर दे। तो जो सब क्लेश दग्धबीज करेगा वो ब्राह्मण ही बन जाएगा। ब्रह्म जाति ब्राह्मण, हमारे मत में, वेद मत में जन्म से कोई शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य नहीं होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र भी क्यों ना हो, उस शूद्र का भी मोक्ष हो सकता है जब वो समाधि लगा लेगा, पढ़ करके, लिख करके, विद्वान बन करके। फिर वो शूद्र नहीं रहता है, तो वो ब्राह्मण ही बन जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। तो इसके लिए ये स्वाध्याय करना अनिवार्य है, बिना स्वाध्याय के ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए आप संकल्प करो कि रोज एक पेज कम से कम जरूर स्वाध्याय करेंगे, एक पेज कम से कम। साथ में अगर आप पढ़ सकते हैं उपनिषद, बढ़िया है, दर्शन पढ़ें और बढ़िया है, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और बढ़िया है। इसमें सब अज्ञान का नाश होता है, सत्य के अर्थ का प्रकाश होता है उस पुस्तक को पढ़ने से। तो आप संकल्प करें कि रोज मैं 10 मिनट 15 मिनट समय लगाऊंगा, और उसमें कई ग्रंथ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। एक पेज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिए, एक वेद का मंत्र पढ़ लिए, एक पुस्तक बहुत बढ़िया है व्यवहार भानु वो पढ़िए, एक पुस्तक एकदम छोटा सा पतला सा
आर्य उद्देश्य रत्नमाला, वो पढ़ेंगे तो भटकेंगे नहीं। तीर्थ क्या है, ठीक है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, साध्य क्या है, तर्पण क्या है, पंच महायज्ञ क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो वो पढ़ने के बाद में व्यक्ति भटकता नहीं है। व्यवहार भानु पढ़ेंगे आपका व्यवहार बढ़िया होगा, और फिर पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश तो सारी बातें आपकी खुल जाएंगी, अज्ञान का जो गांठ है वो खुल जाएगा। ये स्वाध्याय करने का संकल्प लेना है, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे। तो एक विषय लिया आपको ज्ञान का, ज्ञान को बढ़ाएंगे इसके लिए स्वाध्याय करेंगे और सत्संग भी करेंगे। और स्वाध्याय के अर्थ होते हैं तीन। देखो ज्ञान कैसे मिलता है, एक तो ज्ञान मिलता है पुस्तक पढ़ने से, इसका नाम भी स्वाध्याय है, पुस्तक पढ़ना, अध्ययन करना, ठीक है जी, स्व अध्ययन, अपने आप भी पढ़ो, स्वयं अध्ययन करो, ये स्वाध्याय है। दूसरा स्वाध्याय का एक अर्थ होता है ओम का जप करना और गायत्री मंत्र का भी जप करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। कई माताएं ऐसी होती हैं हमको बोलती हैं, स्वामी जी हम तो स्वाध्याय नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते, आँख कमजोर, समर्थ सामर्थ्य नहीं है, भूल जाते हैं, हम स्वाध्याय अब नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप ये स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ नहीं सकते, तो आपके लिए स्वाध्याय का अगला रास्ता खुला हुआ है, वो क्या है, ओम का जप करना, ये तो कर सकते हैं ना जी, हैं, आँख कमजोर है, आँख दर्द करता है अधिक पढ़ने में, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, ओम का जप करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, इसको भी स्वाध्याय कहते हैं। और तीसरा अर्थ है स्वाध्याय का अपने आप को पढ़ना, अपने कर्मों को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, अपने संस्कारों को पढ़ना, कि मैं सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत क्या क्या काम करता हूँ, अपने कामों को देखो, मानसिक विचारों को देखो, तो मन के काम को देखो, वाणी को देखो, कैसे बोलता हूँ, मेरी वाणी में कितनी मिठास है, मधुरता है, कितने में परोपकार काम में युक्त रहता हूँ वो देखो। तो अपने शारीरिक कर्म को देखो, वाणी को देखो और मन को भी देखो, इसका परीक्षण करो, यह है आत्म निरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण करना, तो इससे भी ज्ञान मिलता है। तो एक हो गया आत्मनिरीक्षण, ये भी स्वाध्याय, दूसरा क्या कहा था, ओम और गायत्री मंत्र का जप, और तीसरा साक्षात पुस्तक पढ़ना। तो तीनों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति धर्म के पथ पर अग्रसर होता है, अपनी मूर्खता का नाश करता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पात्र बनते जाता है। इसलिए स्वाध्याय करिए, सत्संग में आइए, शिविर में आइए और जीवन को सुखमय बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, महान बनाइए। एक विषय पूरा हुआ, ओम शांति ओम श्रम। अगला विषय, आपने सुना कि ज्ञान कितने प्रकार के, बताओ, तीन चार, अच्छा कौन कौन बताओ जरूर। पहला क्या था, अभावात्मक ज्ञान, फिर संशयात्मक ज्ञान, फिर भ्रमात्मक ज्ञान, फिर निश्चयात्मक ज्ञान। अब जो ज्ञान है वो घटता बढ़ता है कि नहीं, घटता बढ़ता है, ज्ञान के स्तर में ऊंचा नीचा होते रहता है। अगर अच्छे लोग मिलेंगे, सत्संग में आएंगे, तो आपका तत्व ज्ञान उभर जाएगा, अच्छा खान पान करेंगे तत्व ज्ञान उभर आएगा, ज्ञान बढ़ेगा। और मांस मछली अंडा शराब बीड़ी ये खान पान करेंगे तो ज्ञान का स्तर घट जाएगा, कुसंग में जाएंगे तो ज्ञान का स्तर घट जाएगा। तो ये ज्ञान का जो स्तर है वो घटते बढ़ते भी रहता है। एक बात और, आप जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में आपको जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है, कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसा हूँ। संसार में तीन प्रकार के पदार्थों का ज्ञान करना चाहिए, किसका किसका, एक तो पहले अपने आप को जानो कि मैं एक जीवात्मा हूँ,
मैं कौन हूँ? एक जीवात्मा हूँ, अपना जान करो। दूसरा ईश्वर परमात्मा, कि मेरा जो जीवात्मा का लक्ष्य है वो परमात्मा को प्राप्त करना है। और तीसरी प्रकृति, इसको समझो। ये तीनों ही कैसे हैं? अनादि हैं। ये तीनों कैसे हैं? अनादि पदार्थ हैं। अब ये तीनों अनादि क्यों हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। तो क्यों अनादि हैं? कौन बता पाएगा? आदि अंत नहीं है, ठीक है, क्यों आदि नहीं, वही तो प्रश्न है ना। हाँ, क्योंकि ईश्वर के उत्पत्ति के कोई कारण ही नहीं है, कोई उनको उत्पन्न करने वाला नहीं है, जीवात्मा को भी नहीं, परमात्मा को भी नहीं और प्रकृति को भी नहीं, ये तीनों अनादि हैं। तो इन तीनों का ही सही सही ज्ञान करना यही विवेक कहलाता है, यही तत्व ज्ञान कहलाता है, इससे मुक्ति मिलती है। अगर एक के संबंध में अज्ञान रह गया तो मुक्त होने वाला नहीं है। कई लोग क्या मानते हैं पता है? कुत्ते की आत्मा हमेशा कुत्ते में ही रहेगी, माने कुत्ता हमेशा कुत्ता बनेगा, बिल्ली हमेशा बिल्ली, शेर हमेशा शेर और मनुष्य हमेशा मनुष्य मानता। अब ये सही है क्या? ये वेद की विरुद्ध है। ये कोई कहता है ईश्वर चौथे आसमान में रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान में, कोई बैकुंठ धाम में, कोई कहां मानता है। तो ये सही है क्या? एक इसका एक गीत भी है, पता है आपको? हाँ जी, एक गीत है, लगता है पथिक है, पथिक जी का, सत्यपाल पथिक जी वो लिखते हैं, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है, कोई कहे गोलोक धाम में परमेश्वर रहता है, कोई कहे गोलोक धाम में परमेश्वर रहता है, कोई कहे कैलाश धाम में परमेश्वर रहता है, कोई कहे कैलाश धाम में परमेश्वर रहता है, और कोई कहे अक्षर धाम में परमेश्वर रहता है, कहीं चौथे और कहीं सातवें आसमान का झगड़ा है, कहीं चौथे और कहीं सातवें आसमान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है, भक्त कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। ये सच्चाई है, आज दुनिया में यही हो रहा है। अधिकांश लोग भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, सबसे अधिक मतभेद है तो परमात्मा के नाम पर है। तो देखिए, परमात्मा जो है निराकार, सर्वत्र व्याप्त, कोई उसका रूप रंग है जी, आकार भार है क्या परमात्मा का? नहीं है। उसके लिए कहा है ओम खम ब्रह्म, ईश्वर तो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई उसकी मूर्ति होती नहीं है। और एक बात बता दूं, बहुत भयंकर बात है, और बिना पूछे किसी को बता, हाँ बताना, पहले स्पष्ट कर देना भाई, एक कड़वी बात बता रहा हूं, ठीक है, बता दूं क्या? बता दूं? अच्छा देखो, वेद में ऐसा कहा, मैं नहीं कहता हूं भाई, मुझे मत बोलना फिर, मेरा कोई दोस्त नहीं, वेद कहता है अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते, जो संभूति की उपासना करते हैं वो अंधकारमय लोक में जाते हैं। संभूति माने क्या? संभूति जिसका सम्यक माने बढ़िया से निर्माण किया गया है, जो सामने बना हुआ है ना, निर्माण बढ़िया एकदम सुंदर सा, ठीक है, उसमें सब रत्न और सोना चांदी ये सब मुकुट उकुट सब लगा हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, अगर आप उसकी, हाँ तो कहा है ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? अंधकारमय लोक में जाते हैं। कौन कहता है ये?
वेद कहता है, माने कि जो ईश्वर को छोड़ करके परमात्मा को ओम को छोड़ करके उसके स्थान में किसी अन्य जड़ वस्तु की पूजा करते हैं उसको परमात्मा मान लेते हैं, वो व्यक्ति अंधकारमय लोक में जाते हैं। माने कि, और बता दूं आपको, जो वेद कहता है वही धर्म है, एक बात समझ लो, बहुत भयंकर बात है, और जो वेद मना करता है वो अधर्म है। जिस काम को करने के लिए वेद कहता है वही धर्म है। क्यों जी? वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेद है वही तो संपूर्ण धर्म का मूल है, तो जो वेद कहता है वो धर्म है, जो वेद नहीं कहता है ऐसा मत करो वो अधर्म है। जैसे कि अक्षर मा दिव्य, जुआ मत खेलो, तो जुआ खेलना धर्म है कि अधर्म है जी? है अधर्म है। वो कहता है सत्यम वदामि नान्द्रितम, मैं सत्य बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, तो झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। सत्य बोलना धर्म है। वेद कहता है सतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकीर, कि सौ हाथ से कमाओ और हजार हाथों से दान करो, या हजार हाथों में दान करो तो भी चलेगा। ये क्या है, धर्म क्या धर्म है? वेद कहता है यज्ञस्य वीर, हे वीर तुम यज्ञ करो, ये क्या यज्ञ करना धर्म है। वेद कहता है न इस्तेम अदिमी, मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, तो चोरी करना क्या हुआ, धर्म क्या अधर्म? अधर्म हो गया। तो जिस काम को वेद मना कहता है वो अधर्म हो गया है, और जिस काम को करने के लिए कहता है वो धर्म हो गया। अब इस परिभाषा में आप टिक गए ना, मान गए इसको, कि जो वेद कहता है वो धर्म है और जिसको वेद मना कहता है वो अधर्म है। अब इस परिभाषा के अनुसार में वेद तो कहता है न तस्य प्रतिमास्ति, कोई उसकी मूर्ति होती नहीं है। अब उसकी पूजा करना, जो मैं बता दिया था अंधंतम प्रविशन्ति, जो ऐसे निर्मित वस्तु की पूजा करता है वो अंधकारमय लोक में जाता है। तो इनकी पूजा करना धर्म हुआ कि अधर्म हुआ जी? हैं? अधर्म हुआ, ठीक है। तो ये समझना है, लोग उसको धर्म मानते हैं, मैं वहां गया और सोने का मुकुट चढ़ा दिया, इतना ये कर दिया उतना कर दिया, भाई वो तो वेद के विरुद्ध काम हो गया। तो जो वेद के विरुद्ध काम होता है वो अधर्म होता है, इसलिए हमको अधर्म करना नहीं है। सेवा करना धर्म है, दान करना धर्म है, दूसरों की सेवा करना धर्म है। और एक बात बता दो, बहुत बड़ा धर्म है, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व क्या है सुन लीजिए, कि आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामना समाचरे, जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति भी न करें, ये धर्म का सर्वस्व है। और धर्म क्या है, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और अभी आपकी आंख खोल दूं, आंख खुला हुआ तो है, लेकिन आप लोग आंख खोल करके भी आंख बंद किए रहते हैं, ये तो समस्या है। जैसे कि आप सब लोग आर्य समाज में आते हैं, जो जो आर्य समाज में आता है ऊंचा करो हाथ थोड़ा, लगभग सब लोग आते हैं, ठीक है। जो आर्य समाज में नहीं आता वो भी सुन लो, दोनों की बात है, मैं कोई पक्षपात करता नहीं, दोनों की बात करता हूं। देखो आर्य समाज का एक नियम है, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है। ये क्या है जी, परम धर्म है। क्यों? वेद ही ईश्वर की वाणी है, ये गीता रामायण बाइबल कुरान जितने बाकी ग्रंथ हैं वो मनुष्य कृत हैं, और उनमें जो भी अच्छी बातें हैं सब वेद की ही हैं, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो वो वेद की बात नहीं है, वो तो वेद में कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है, बाकी और कहीं गड़बड़ी तो मिल सकती है, इसलिए कहा वेद पढ़ो। हाँ जी, हाँ मिलावट है बाकी ग्रंथों में, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, नहीं है वेद में कोई मंत्र मिलावट संभव ही नहीं है। हाँ एक ही मंत्र कई बार तो आया है, एक ही मंत्र कई बार आया है ये तो ठीक है,
लेकिन उसके भाव अलग अलग होते हैं, अर्थ उसके अलग हो जाते हैं। तो मैं बता रहा था वेद ईश्वर की वाणी है और वेद को पढ़ना पढ़ना सब आर्यों का परम धर्म है। इसको आप लोग मानते हैं? कहाँ से मानते हैं? यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से मानते हैं? यहाँ से मानते हैं, हृदय से मानते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला प्रश्न, अगर आप वेद को ईश्वर की वाणी मानते हैं और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म मानते हैं, और आप सब लोग आर्य हैं कि अनार्य हैं? आर्य हैं। कोई इसमें दस्यु है? दस्यु अनार्य कोई नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात पर ध्यान सुनना। आर्य जन्म से होता है या कर्म से? अभी बता रहा हूँ आपको, आर्य जन्म से भी होता है और आर्य कर्म से भी होता है। जैसे जो भी भारतवर्ष में जन्म लिया है वो आर्य है, सीधी बात, ये आर्यों का देश है, ठीक है। अब जन्म लिया आर्य बन गया, लेकिन अगर आर्य कर्म नहीं किया तो अनार्य हो जाएगा, सीधी बात। ये गुण कर्म का नाम है। हाँ, जन्म तो लिया है आर्य परिवार में, लेकिन काम करता है अनार्य वाला तो वो आर्य नहीं माना जाएगा। फिर वो चोरी करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, वो आर्य नहीं कहलाएगा वो। तो आप आर्य भी हैं और आप धर्म को मानते भी हैं, वेद को मानते भी हैं। अब मेरा अगला प्रश्न, आप में से कितने से व्यक्ति हैं जी जो रोज वेद को पढ़ते हैं, घर में वेद का एक मंत्र पढ़ते हो जाकर हुआ? बस ये सच्चाई है, इतने लोग तो आर्य हैं, बाकी सब कहने के आर्य हैं, बस नाम के आर्य हैं। हाँ, वो कोई नामधारी आर्य होता है, कोई झंडाधारी आर्य होता है और कोई कामधारी आर्य होता है। तो जो खाली आर्य मानते हैं, लिखते हैं, वो खाली आर्य बोलने के हैं। एक होता है, देखो उसको बोलते हैं काष्ठवत धेनु और लोष्ठवत भानु, दोनों कोई काम के नहीं होते। इसके मतलब क्या है? काष्ठवत धेनु लकड़ी का गाय, क्या काम का जी? कोई दूध देगी? नहीं देगी। चारा खाएगी? और लोष्ठवत भानु, वहां पर बना दो ऐसे सूर्य का छाप, लोष्ठवत भानु, भानु माने सूर्य, तो क्या काम का वो? कोई गर्मी? तो आप लोग क्या करेंगे, जान पाना है वे पढ़ेंगे। इतना संकल्प करके जाओ कि स्वामी जी बस स्वीकार कर लो कि वास्तव में स्वाध्याय करना चाहिए, तो रोज एक वेद का मंत्र स्वाध्याय करेंगे, ये संकल्प कर करके जाइए। मंजूर है? जो जो रोज स्वाध्याय करेंगे वेद का मंत्र हो चाहे वैदिक ग्रंथ हो, कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं वृक्ष शाखा न्याय। कोई साक्षात वेद मंत्र नहीं समझ पाता है, ठीक बात है, क्लिष्ट है वो, तो वैदिक प्रकाश पढ़े और सरल ग्रंथ पढ़े, ठीक है ना जी। अब नीम है, जाएंगे लकड़ी टाल में, क्या बोलते हैं आपके आरा मिल शामिल में, तो क्या बोलते हैं, ये पीपल है, ये बरगद है, ये है, वो है, वो लकड़ी पड़ी हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं, ये आम है, वो तो आम का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं आम। ऐसे ही आप कोई वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो भी मान लेंगे कि हाँ आप वेद के स्वाध्याय कर रहे हैं, वो वैदिक ग्रंथ है ना जी। तो इसलिए एक पेज स्वाध्याय करने का संकल्प करिए, तो सब लोग को करना है ना। हाँ, तो एक पेज स्वाध्याय सब लोग करिए, इससे ज्ञान बढ़ेगा। कोई भी एक पेज, बस वैदिक विनय पढ़े तो चले, कोई भी है, हमने वैदिक ग्रंथ कहा है, सत्या प्रकाश पढ़े, एक पेज पढ़े, वो 5 मिनट भी चलेगा, कोई बात नहीं, इतना समय तो निकलता है। आज दुख की बात यह है कि व्यक्ति के पास में 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने लिए नहीं है, है कि नहीं है? अपने निर्माण के लिए क्या है, कुछ नहीं कर रहा है वो, कोई ध्यान नहीं करता। 24 घंटा में 24 मिनट दे क्या, 24 सेकंड भी व्यक्ति आंख बंद करके ध्यान नहीं करता है, जबकि संसार का सबसे श्रेष्ठ काम, सबसे ऊंचा काम है, बताओ क्या करना, ईश्वर की उपासना करना। आपने सुना होगा यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ काम है, लेकिन यज्ञ भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? नहीं,
हाँ एक प्रकार ठीक भी है कहना आपका, लेकिन उसको बोलते हैं आत्मयज्ञ और दूसरा है देव यज्ञ या द्रव्य यज्ञ। जो आपने प्रातः काल किया था ना आहुति दी थी वो है देव यज्ञ या द्रव्य यज्ञ, जिसमें घी सामग्री ये सब द्रव्य डालते हैं। और एक होता है आत्मयज्ञ जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, जो हमने ध्यान किया था वो ब्रह्म यज्ञ है, उसका नाम है आत्मयज्ञ। तो प्रश्न आया आत्मयाजी श्रयान व द्रव्ययाजी, ये आत्मयज्ञ करना ध्यान करना ये बड़ा है कि हवन करना बड़ा है? हाँ उत्तर दिया आत्मयज्ञ करना बड़ा है, क्योंकि जो आत्मयज्ञ करेगा वो देव यज्ञ भी करेगा। भैया आप अग्नि के पास अग्नि पास बैठेंगे या सूर्य किरण बैठेंगे धूप में तो गर्मी तो आएगी आएगी, ऐसे आप ईश्वर का ध्यान करेंगे उपासना करेंगे तो उनके गुण तो आएंगे, वो परोपकारी ईश्वर है, आप परोपकार करेंगे और परोपकार करने का सबसे बड़ा साधन है यज्ञ करना, तो यज्ञ भी करेंगे। ये संकल्प करके जाएं कि रोज एक पेज स्वाध्याय करेंगे, रोज ईश्वर का ध्यान करेंगे और रोज यज्ञ करेंगे। ये विषय मैं कल लूंगा, कर्म का विषय है ना जी। अब कुछ समय बाकी है, आत्मा इसके संबंध में कुछ विचार करते हैं। आत्मा संसार में आपके लिए संख्या कितनी होगी, संख्या आत्मा की कोई गिनती है क्या? असंख्य है हमारे लिए असंख्य आत्मा, लेकिन परमात्मा के लिए सीमित, वो जानता ही गिनती। आत्मा का रंग रूप आकार भार कोई है नहीं। अच्छा एक आत्मा और संसार भर की आत्मा ये सब मिला लो तो ये एक सुई की नोक में समा सकती है क्या? अच्छा कुछ हाँ बोलते हैं और कुछ ना भी बोलते हैं। ये संसार भर की आत्माएं हैं, ये सभी लोग क्या एक सुई की नोक में आ जाएंगे? ऐसे ये एक नोक में आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। तो हाँ वो कोई आकार वाला सा नहीं है, इसलिए वो एक नोक में सभी आत्माएं आ जाएंगी। हाँ जीती खाती आत्मा सब समान, कोई स्त्री पुरुष आत्मा होता नहीं है, और वो कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में जा सकता है। गधे की आत्मा गधे में और घोड़े की घोड़े में, ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा कर्म के अनुरूप किसी भी योनि में जा सकती है, कोई उसका रंग रूप आकार भाकार नहीं, आकार प्रकार नहीं है, कोई उसका वजन भी नहीं है और उसका अपना कोई लिंग भी नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है न पुंसक है, वो सबसे परे है। तो अपने आत्मा के स्वरूप को भी समझो और परमात्मा के स्वरूप को भी समझो। परमात्मा भी ऐसा ही है, उसका भी कोई लिंग नहीं है, स्त्री नहीं है पुरुष नहीं नपुंसक नहीं, लेकिन उसके नाम तो तीनों लिंगों में है। एक ऐसा मंत्र बताओ जो जाता है आर्य समाज में रोज, एक ऐसा मंत्र बताओ जिसमें ईश्वर के नाम तीनों लिंगों में हो, बताओ आए? नहीं मंत्र वेद मंत्र, उसमें ईश्वर का नाम पुरुलिंग में भी हो नपुंसक लिंग में भी हो और स्त्रीलिंग में भी हो। देखो एक मैं बताऊं, हाँ उसमें हाँ देखो एक मंत्र है उसमें ये कहा है परमात्मा को, कहे प्रजापति कहा है, वो तो पुरलिंग में है ठीक है। और पूरा मंत्र से बोलता हूँ, तदेवाग्निस तदादित्यस तदवायु तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आप स प्रजापति। इसमें स्पष्ट तीनों लिंग का है, स माने पुरलिंग, स प्रजापति ही, ये किसमें आता है पुरलिंग में, ता आप ता किस में आता है स्त्रीलिंग में, और जितना तत् तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्म तदेव शुक्रम एक में आता है नपुंसकलिंग में, फलम फले फलानी फलम फले फलानी तत्ते तानी ये तत् किस में आता है नपुंसकलिंग में आता है। तो शुक्र है तदेव अग्नि तद वायु ये सब किस में है नपुंसकलिंग में, यह तत् सत शब्द जहाँ आता है, और स प्रजापति वो प्रजापति वो पुरलिंग में है, और ता आप ये स्त्रीलिंग में। तो एक ही मंत्र तीनों आ गया है, स भी है
ता भी है और तत भी है, ये तीनों लिंग में परमात्मा का नाम है, लेकिन परमात्मा का अपना कोई लिंग होता नहीं है। अब एक प्रश्न है, मैं खुद प्रश्न उठा रहा हूं। हाँ माता जी, ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र है, देख लेंगे शायद पहला ही मंत्र होगा या इसके आसपास का मंत्र है ना जी, जो भी इसमें है आपको देख मिल जाएगा 32वें अध्याय में, या पहला होगा या 11वां होगा देख लेंगे, वेद पाठ में पहले पढ़ते थे हम। अगला प्रश्न है, कई लोग राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं, ठीक है अच्छी बात है, तो राम और कृष्ण के अवतार हैं क्या? नहीं है। तो भगवान है कि नहीं है? भगवान है। हाँ जी हैं। हाँ, तो परमात्मा और भगवान में क्या अंतर होता है ये बता दूं फिर विराम देंगे, ठीक है जी। आपका नाम क्या है? सोनीपत वाले जी आए हैं सामने बैठे हैं, हैं गंगाराम जी, बस पक्का होके जाना है यहाँ पर यहाँ से, ठीक है। हाँ, दो दिन का शिविर, सब अज्ञान को मिटा दें आप। देखो राम और कृष्ण हमारे भगवान तो हैं, परमात्मा नहीं, क्यों? अभी आपने सुना जिसका भी जन्म हुआ है जो शरीर धारण किया वो परमात्मा नहीं हो सकता, वेद कहता है। आप वेद को मानते हैं ना? वेद भी नहीं मानते आप वेद को? क्यों वेद को नहीं मानते भाई? वेद परमात्मा की वाणी है, वेद में सब सत्य विद्याओं का भंडार है, सब विज्ञान वेद में है, ये गीता रामायण महाभारत सब में वेद की महिमा है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो वेद को नहीं मानता हो, कोई गुरु ऐसा नहीं जो वेद को नहीं मानता हो, यहां तक कि जाकिर हुसैन मुस्लिम भी वेद को मानता है, हाँ ईसाई भी वेद को मानते हैं, और रामपाल जो धूर्त है खंडन करता है तो भी वेद के खंडन करता है हमारा, बताओ वो वेद को ही बोलता है और उसमें खंडन करता है हमारा, वो वेद को मानता है पता नहीं उसको। तो वो मंत्र है अकायम अव्रणम अस्नावीरम, ईश्वर शरीर से रहित है, अकायम शब्द ही ऐसा ही वेद कहता है, तो राम और कृष्ण शरीर थे इसलिए वो परमात्मा तो नहीं है, लेकिन भगवान तो हैं। भगवान क्यों हैं? जिसके पास भग हो वो भगवान, गुण हो तो गुणवान, बल हो तो बलवान, धन हो तो धनवान, ऐसे भग हो तो भगवान। तो राम कृष्ण भगवान तो थे, और जो परमात्मा है वही भगवान, भग माने ऐश्वर्य, हाँ जो ऐश्वर्यवान है वो भगवान है। तो परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म ओम वो भी भगवान है, और ये राम कृष्ण भी भगवान है, और हमारे गुरु भी भगवान है, ठीक है। तो भगवान तो हर इंसान बन सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता, भगवान बन सकता है। आगे परमात्मा भगवान भी है लेकिन इंसान नहीं बन सकता है। एक उदाहरण दूं फिर विराम करूंगा। आप लोग हम लोग सब लोग मनुष्य हैं कि नहीं है? तो मनुष्य बोलने से स्त्री भी आती है और पुरुष भी आता है ना जी। हाँ, लेकिन स्त्री बोलने से पुरुष तो नहीं आता और पुरुष बोलने से स्त्री भी नहीं आती, नहीं आती। तो लेकिन मनुष्य नहीं आता, देवता इंसान ही देवता बनता है, विद्वान से हो वह देवा, विद्वान है वह देवता कहलाते हैं, ठीक है जी। हाँ, जो देते वो देवता, देवो दानात्वा, आज जो भी हवन किया है वो देव बन गया है, वो देवता, हवन करने वाला देवता होता है, दान दाता देवता होता है, ठीक है। तो स्पष्ट क्या हो गया? हम भगवान बन सकते हैं, राम कृष्ण भी हमारे भगवान थे, पूज्य थे, महापुरुष थे, अनुकरणीय थे, बस हमको राम के चित्र की पूजा छोड़ करके राम और कृष्ण के चित्र की पूजा करनी है, चित्र रखें, उनके चित्र को देख करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, और जो जो काम राम कृष्ण करते थे हम उन कामों को करें, ये उनकी पूजा है, ये उनकी भक्ति है। हमारे महापुरुष हैं। आज होता उल्टा है, न गाय पालते हैं और न माता पिता की सेवा करते हैं, न यज्ञ करते हैं, उनको तो हम योगी राज कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, और योग भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, कहाँ का भाई कृष्ण भक्त हो गया? भाई भाई में झगड़ा है, दो फुट के दूरी के भाई में झगड़ा हो रहा है, और राम राम भाई राम राम, क्या राम राम? राम राम बोलते हो, झगड़ा करते हो भाई से, अरे राम तो 14 साल वनवास चले गए और पूरे भाई को राज्य दे गए,
तो ये राम की भक्ति है कि राम कृष्ण गुणों को धारण करना, उनके आदर्शों को अपनाना, उनके समान बन जाना, बस हम भी राम कृष्ण बन जाएं। तो हम सब राम कृष्ण को मानते हैं, अंदर से मानते हैं, आप भी ऐसे ही मानिए और वेद को ही मानिए और जीवन को सफल बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, सार्थक बनाइए, सुखमय बनाइए। ओम शांति ओम शांति।